अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक एंड बेक विद हर्चीज़ टीवी। आज मैं बना रही हूँ जिंगर चिकन स्ट्रिप्स, जिसको टेंडर चिकन भी कहते हैं या चिकन फिंगर्स भी कहते हैं। ये KFC स्टाइल में मैं आज बना रही हूँ। इस रेसिपी के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, सबसे पहले आप वो नोट कर लें। यहाँ पर मैंने चिकन ब्रेस्ट लिया था 300 ग्राम्स, और इसको मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया है। मसालों में मेरे पास है नमक 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर लिया है 1 टीस्पून, काली मिर्च ली है पिसी हुई 1 टीस्पून, लहसुन का पाउडर है 1 टीस्पून, प्याज का पाउडर मैंने यहाँ लिया है 1/2 टीस्पून। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर कप में मिल्क है, 3/4 कप मिल्क मैंने यहाँ लिया है, और 2 टेबलस्पून चिली सॉस है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो इसी क्वांटिटी को आप डबल कर दें, क्योंकि एग्जैक्ट मेजरमेंट है इस रेसिपी के लिए। परफेक्ट इसमें आपको इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए। सबसे पहले स्टेप में मैं अपने चिकन के स्ट्रिप्स के अंदर सारे स्पाइसेस, मसाले सारे डाल दूंगी जो मैंने आपको बताए थे, और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। और 2 टेबलस्पून जो मैंने चिली सॉस लिया था, मैं वो भी इसी के अंदर डाल दूँगी, और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि हर स्ट्रिप जो है वो इन्हीं मसालों के साथ कवर हो जाए। में ज़्यादा सही टेस्ट जो आता है वो गार्लिक पाउडर से ही आता है। आप इसमें फ्रेश गार्लिक यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए इस रेसिपी के लिए आप गार्लिक पाउडर ही यूज़ करें, और अनियन का भी पाउडर ही। अब मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर मिल्क डाल रही हूँ, जो कि तकरीबन 3/4 कप था। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, मेरी नई आने वाली रेसिपीज़ आपको मिलती रहेंगी। अब इसके अंदर मिल्क डालने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, और इसको हम मैरिनेशन के लिए रख देंगे तकरीबन 5 से 6 आवर्स के लिए। और बेहतर ये भी होगा कि अगर आप इसको ओवरनाइट रख दें तो ये अच्छी तरह से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे सारी स्पाइसेस, लेकिन टाइम अगर कम है तो आप इसको 5-6 आवर्स के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। अब मैंने इसको ओवरनाइट मैरिनेट किया था, अब चिकन ने सारा जो मिल्क था वो एब्जॉर्ब हो गया इसी के अंदर ही, और सारे स्पाइसेस जो हैं वो अच्छी तरह से चिकन के ऊपर स्टिक हो गए हैं। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड स्टेप। यहाँ पे मैंने आटा लिया है 1 कप, ये मैदा नहीं है, ये आटा है जिसकी हम रोटी बनाते हैं। इसके अंदर मैंने डाला है 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर और 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन सारी चीज़ों को। और 1 कप में मैंने यहाँ पे लिया है चिल्ड वाटर, ये नॉर्मल वाटर नहीं है, इसको मैंने अच्छी तरह से ठंडा किया, जमा हुआ तकरीबन ये पानी था। इसको थोड़ी देर बाहर रखेंगे तो इतना ठंडा हमें इसके लिए चाहिए है। अब हम अपनी स्ट्रिप्स को 1 बाय 1 उठाएंगे और इसको हम आटे वाले मिक्सर के अंदर कोट करेंगे अच्छी तरह से। 3-4 दफ़ा इसको दोनों क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज हम घुमा लेंगे अच्छी तरह से। ये इसको हर साइड से कोट करना है हमने, ये इसकी फर्स्ट कोटिंग होगी जो हम इसको दे रहे हैं। इसके बाद हम इसको उठाकर चिल्ड वाटर में डिप करेंगे सिर्फ 3 सेकंड्स के लिए, और इसके बाद दोबारा इसकी सेकंड कोटिंग हम आटे वाले मिक्सर से करेंगे। इसको अच्छी तरह से हर साइड पे हम मूव करेंगे, क्योंकि इसकी असल लुक इसी कोटिंग से ही आती है। अब इस तरह एक रेडी हो गया। अब इसी तरह 1 बाय 1 हम सबको पहले फर्स्ट लेयर देंगे आटे के साथ, और उसके बाद हम इसको ठंडे पानी में डिप कर लेंगे 3 सेकंड्स के लिए, और फिर इसकी सेकंड कोटिंग होगी। ये स्क्रीन पे जो आपको आई बटन नज़र आ रहा है, इसमें KFC स्टाइल चिकन की रेसिपी आपको मिल जाएगी। ये भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैं कोट कर रही हूँ सारे चिकन के स्ट्रिप्स को, और इसी तरह से हम सबको रेडी कर लेंगे और फिर हम इनको फ्राई करेंगे ऑयल में।
अब यहाँ पे सारे मैंने स्ट्रिप्स इसी तरह दो दफ़ा कोट कर लिया उनको आटे के साथ। अब हम इनको फ्राई करेंगे। यहाँ पे ऑयल जो है वो हॉट है, मीडियम नहीं है, ये हाई फ्लेम पे मैंने इसको हॉट किया था। हम इसको हाई में ही डालेंगे शुरू में, और फिर हम इसको थोड़ी देर के बाद हम इसको मीडियम पर ले आएंगे। लेकिन शुरू जब आप अपनी फ्राइंग करेंगे तो आप इसमें आपका जो ऑयल होगा वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होना चाहिए, इसमें से स्मोक निकलता हो, इतना गर्म हो, और उसके बाद फिर आप इसको मीडियम पर ले आएंगे। इसी तरह से आपकी ये जो स्ट्रिप्स हैं ये क्रिस्पी बनेंगी। अब इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे हर साइड से। इसी आटे वाले मिक्सचर को आप पोटैटोस की फ्राइज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आपके पोटैटो फ्राइज़ जो हैं वो क्रिस्पी भी बनेंगे और उनके टेस्ट में भी थोड़ी सी वेरिएशन आ जाएगी। बहुत इजी सिंपल रेसिपी है, आप इसको आराम से घर में बना सकते हैं और परफेक्ट टेस्ट की आपकी बनेगी। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को, और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। इसको बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें KFC स्टाइल की चिकन स्ट्रिप्स अपने घर पर।